हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल अभी संदकपू में हूँ, तो संदकपू हमारा रूम देख सकते हो आज का। तो ये ऐसे व्यू दिखाता हुआ अभी रुको, पूरा काठ का बना हुआ घर है। देखो व्यू, देखो बाहर का व्यू। तो अभी 6 दिन के बाद हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मिल। तो बात करते हैं, हमारा टूट का पहले दिन है। तो हम नवद्वीप से NGP पे उतर गए। NGP का पूरा स्टेशन देखो, NGP स्टेशन है ये। NGP स्टेशन से हम आए हैं दार्जिलिंग मोड़ पे। दार्जिलिंग मोड़ से एक शेयर कार लेके आए धोत्रे पे। एक दिन स्ट्रे करने के बाद धोत्रे पे एक दिन रुकने के बाद वहाँ से धोत्रे से तमलुक तक पूरा ट्रैकिंग करते हैं। ये ट्रैकिंग एक्सपीरियंस भी हमारा लक्ष्य था, पूरा ट्रैकिंग करके जाएंगे। तो फिलहाल वेदर का ख़राब होने की वजह से हम ट्रैकिंग नहीं कर पाए। तो धोत्रे से तुमलिंग तक ट्रैकिंग करके या ऐसे कार लेके आ जाते हैं संदकपू में। आप लोगों को पूरा ब्लॉग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हस्की जर भी हस्की देखने को मिला। रूम देख रहे हो ना, इसमें 6 नफरों का आज रात। हस्की ना गेरा कुत्ता ही तो। हाँ आजा हस्की ना। अभी रूम भी अभी भी तैयार हो रही है नीचे में बाहर काट के। तो आप लोगों का बाहर का मतलब ऊपर से नीचे का व्यू दिखा था वो भी निकल। वाओ, आपकी चिंता हो जाओगे देख के। ऊपर से संदकपू से पूरा व्यू देखो भाई, पूरा व्यू। वाओ, आप वीडियो खींचने का टाइम थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दोगे तो ऐसा ही व्यू आएगा देखने को। संदकपू से पूरा व्यू अभी तक मेरे को कंचनजंगा दिखाई नहीं दिया। तो हमारा संदकपू में एक दिन स्टे हो गया। तो इधर अच्छा व्यू हो, अच्छा मतलब वो इधर क्लियर नहीं होने की वजह से हम जा रहे हैं नीच पे। हम जाएंगे संदकपू, कालपोकड़ी, गौड़ीबास, तुमलिंग, फिर माने भंजन से होके जाएंगे। माने भंजन से दार्जिलिंग पे एक दिन दो दिन रुकने के बाद हम निकल जाएंगे। तो बने रहो वीडियो पे। रोड देख रहे हो ना भाई आप, मतलब वो इधर आपको वो इधर अच्छा दिखने को मिला तो ट्रैकिंग करके आओ, या वो इधर अच्छा नहीं है तो कार लेके आओ। तो वो इधर मतलब सुबह का टाइम तो वो इधर पूरा ही ठीक ठाक था। हम सोच ही रहे थे ट्रैकिंग करके अंदर से खाली जाएंगे, खाली से जाएंगे, खराब होने से नीचे मारे बंदन पर आ रहे थे। तो हमको इधर कार मतलब कार मिल जाएगा, कार बुकिंग कर सकते हैं, शेयरिंग की भी आ सकते हैं। तो आपके मैसेज में होगा तो शेयरिंग कर मिल जाएगा। पाँच छः दिन बाद आपको डिजाइन डेट हो जाएगा, पूरा कार बुकिंग आपको डिजाइन हो जाएगा, आपका जो मैन्यू है उसे डिजाइन हो जाएगा। तो फिलहाल तो
एक बस बहुत लोग आ जाए, 6-7 जन तो आना ही चाहिए, क्योंकि हमारा जो गाइड है वो पार्ट डे 1000 हमसे लेता था, तो आप लोग 7-8 जन होंगे तो वो मानी को डिवाइड कर सकते हो, मतलब मानी डिवाइड हो जाएगा आप सभी को, तो फिलहाल खर्चा आपको कम मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। तो आओ पहाड़ में आओ घूमो, प्रयास करो भाई, इधर अभी देख रोड भाई, ट्रैकिंग का सबसे बढ़िया रोड है ये, आपको नेचर एडवेंचर भी मिलेगा, नेचर का प्यार भी मिलेगा। तो बारिश गिर रहा है, तो फिलहाल तो अभी माने भंजन पे उतर के हमको दार्जिलिंग शेयरिंग कार भी मिल गया। इधर से सांदाकपू जाने के लिए आप ऐसे भी ट्रैकिंग कर सकते हो, या धोत्रे से ही ट्रैकिंग कर सकते हो। तो हर बंदे इधर से भी माने भंजन से ही ट्रैकिंग करते हैं या कार लेते हैं। तो फिलहाल तो अभी इंडिया पे है, उस पर है नेपाल, तो जाने वाले है दार्जिलिंग पे। तो फिलहाल पहुंच चुके हो हम दार्जिलिंग पे, आपको ट्राम का लाइन भी देखने को मिल रहा है। तो अभी तक हमें तो एक भी ट्राम देखने को नहीं मिला, हम सो रहे थे माने भंजन से दार्जिलिंग, मतलब हमारा दादा है, हमारा जो बादर है उसी ने हमको उठाया है। तो पहुंच चुके हैं हम घूम से जाएंगे, मतलब हमारा भारत का सबसे ऊंचा स्टेशन घूम है, भारत का सबसे ऊंचा स्टेशन रेलवे स्टेशन घूम। आपको अभी घूम पे तो अभी आ चुके हैं, तो अभी तक एक भी ट्राम देखने को नहीं मिला, मिलेगा रुको थोड़ा देर, मिलेगा ट्राम देखने को। तो ये देखो घूम स्टेशन, बहुत ही छोटा और पूरा काठ का बना हुआ स्टेशन है, लकड़ी का बना हुआ स्टेशन है। और तो और इधर आपको सबसे ज़्यादा दार्जिलिंग पे ही लोग मिलेगा, मतलब यहाँ का पॉपुलेशन हाई है भाई, पहाड़ में इतना ज़्यादा लोग देखने को नहीं मिलेगा जितना देखने को मिलेगा दार्जिलिंग पे। तो हम जाएंगे होटल की तरफ, आज वहीं पे रुक के कल दिखाएंगे महल, कल पूरा महल दिखाएंगे आप लोगों को। तो फिलहाल जाते हैं होटल की तरफ, हम ऐसे जगह पे होटल बुक करने वाले हैं जहाँ से हमें महल पूरा पास में ही हो, मरा महल पूरा पास में ही हो, तो हम ऐसे जगह बुकिंग करने वाले हैं। फिलहाल हमारा नसीब में तो सांदाकपू से कंचनजंगा नसीब में नहीं था, ट्रैकिंग में नसीब में नहीं था, नॉर्थ सिक्किम में नसीब में नहीं, तो हम आ चुके हैं दार्जिलिंग पे आप लोगों को दिखाएंगे काल पूरा महल। तो फिलहाल यहाँ का मौसम तो पूरा ही ख़राब है भाई, मेरा किस्मत ही ख़राब है भाई, वेदर ख़राब नहीं, हमारा किस्मत ही ख़राब है भाई। अभी ट्राम देखने को मिला, मेरा फर्स्ट टाइम ट्राम देख रहा हूँ, और दार्जिलिंग पे आके मेरे को ट्राम देखने को मिला। तो फिलहाल तो होटल पे हूँ, इतना थकान की वजह से हम पूरा सो गया था, तो कोई वीडियो बनाने के कोई मूड नहीं था। तो फिलहाल अभी डिनर कर रहा हूँ, रात का बजे है 9 या 10 बजे है पता नहीं, अभी डिनर कर रहा हूँ। डिनर करने के बाद हम पूरा, तो डिनर करने के बाद सो जाएंगे, तो कल पूरा दार्जिलिंग दिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए वीडियो पे बने।